वेलकम टू जी स्टडी यूट्यूब चैनल एंड टुडे वी आर कमिंग हेयर विद यूपी ट्रिपल एस सी एग्जाम वीडियो। ग्राम पंचायत अधिकारी परीक्षा की तिथियां जो हैं वो आ गई हैं, सो उसके रिगार्डिंग ये वीडियो है। बहुत ही शॉर्ट वीडियो है, इसमें आपको शॉर्ट में सारी डिटेल मिल जाएगी। सो चलिए देखते हैं, इसमें जो परीक्षा तिथि है वो आ गई है 22 और 23 दिसंबर को जो है 2018 यानी 22-23 दिसंबर को ये एग्ज़ाम कराने की डेट आ गई है। और ये डेट 90% लगभग क्लियर है क्योंकि इन्होंने नोटिफिकेशन करके दिया है इसको। सो जो भी कैंडिडेट्स वीडियो के लिए तैयारी के लिए हैं वो लोग अपना तैयारी अच्छे से करें, शुरू कर दें क्योंकि उसकी एग्ज़ाम डेट क्लियर हो गई है। सो एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, यूपी ट्रिपल एस सी जो है सिलेबस क्या है इसका और किस टाइप के प्रश्न आएंगे, नेगेटिव मार्किंग कितनी है, कितनी संपूर्ण जानकारी आप सरकारी रोज़गार हेल्प पे भी जॉब हेल्प पे भी .com पे भी देख सकते हैं इसकी सारी इन्फॉर्मेशन। और इसके अलावा हम आपको इसकी इन्फॉर्मेशन सभी प्रोवाइड कर रहे हैं, आप इसको देख लीजिए कैसे कैसे कौन कौन से क्वेश्चन आने हैं, क्या उसका सिलेबस है और किस टाइप के प्रश्न आ रहे हैं, कितनी मार्किंग स्कीम है। सो इसके लिए हम ले चल रहे हैं आपको इस पेज पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। देखिए जो विषय हैं, विषय कौन कौन से, 3 सब्जेक्ट होंगे इसमें, प्रश्नों की संख्या कितनी होगी यहाँ पे दिया हुआ है और अंक जो हैं वो यहाँ दिए हुए हैं, संख्या समय अवधि 2 घंटे है। सो पहला जो सब्जेक्ट होगा वो हिंदी भाग, पहला भाग जो होगा वो होगा हिंदी परिज्ञान लेखन एवं योग्यता। तो इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो हिंदी के क्वेश्चंस आएंगे क्लास टेंथ लेवल की जो है आपकी GS जनरल जो हिंदी होती है वो हिंदी के क्वेश्चंस होंगे और उसकी ग्रामर होगी, जैसे रस छंद अलंकार है, इसके अलावा तत्सम तद्भव है, शुद्ध वाक्य है, ये सब प्रश्न हिंदी के आपके आएंगे। इनके प्रश्नों की संख्या 50 होगी और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, इसका मतलब 50 प्रश्न हिंदी के होंगे तो 100 नंबर के हिंदी का पेपर हो गया, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया हिंदी। इसके बाद से सेकंड जो आता है वो भाग 2 है, वो सामान्य बुद्धि परीक्षण। ये जो है ये सामान्य बुद्धि परीक्षण जो कहा गया, इसमें बहुत से कैंडिडेट्स जो हैं थोड़ा सा डाउट में है कि इसमें रीजनिंग या मैथ्स नहीं आ रही, तो ऐसा कुछ नहीं। देखिए सामान्य बुद्धि परीक्षण जो है यहीं पे, यहाँ पे जो है इसी में हिंदी जो है आपका करंट रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन इसी पार्ट में है, ठीक है। तो ये 25 क्वेश्चन लगभग दोनों के हैं, 50 क्वेश्चन हैं टोटल और 100 नंबर के ये भी हैं, बट यहाँ पे ये मैं सोचेगा कि एक ही पार्ट में दोनों हैं तो ये काफ़ी कम हो गया, नहीं ऐसा क्वेश्चन। देखिए इसमें जो है मैथ्स और रीजनिंग के बेसिस पे, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग में एग्जैक्ट क्वेश्चन आप करेंगे एग्जैक्टली उसको क्लियर कर सकते हैं और वो 100 नंबर आप पूरे पूरे पा सकते हैं उसमें, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होगा। अगर आपको ये एग्ज़ाम क्लियर करना है तो मैथ्स और रीजनिंग आपको बहुत अच्छी करनी है, क्योंकि जो सामान्य भाग सामान्य जानकारी जो GS का प्रश्न है, GS का पेपर है, तो इस पार्ट में जो ये भी 50 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के, इसकी कोई लिमिट नहीं है, ये अनलिमिटेड है, कहीं से भी किसी तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर हैं वीडियो के होते रहे उसको मैंने देखा है। उसके पहले इसके अगले वीडियो में हम आपको क्वेश्चन पेपर भी दिखाएंगे कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उसमें क्या है कि क्वेश्चंस की कोई लिमिट नहीं है, कभी प्रश्न उसने करंट से ज़्यादा पूछ लिए, कभी प्रश्न उसने बहुत ही बैक से पूछ लिए, कभी मिडिल से पूछ लिए, तो सो GS तो अनलिमिटेड है, तो उसके बेसिस पे आप उसको गारंटेड नहीं कर सकते कि भाई 50 क्वेश्चन में हमारे 45, 48 या 50 सही हो जाएंगे, सो उसमें आप एग्जैक्टली नहीं कर सकते, वो भी जब टाइम कम हो, तो ये हमारा फिक्स नहीं है। उसके बाद से हिंदी परिज्ञान भी है, तो वो बहुत अच्छी चीज़ की हिंदी होगी, उसके लिए भी प्रॉब्लम ये है कि उसमें जो GS का पार्ट, उसमें हिंदी की GS है वो मुश्किल है, ग्रामर भी बहुत आसान नहीं हिंदी की, तो ऑन दैट केस ये दोनों पार्ट हैं, ये दोनों पार्ट जो है अनलिमिटेड हैं, इनमें बहुत ज़्यादा मार्क्स सिक्योर करने के प्रिपरेशन से अगर आप सोच रहे हैं तो वो उतना सही नहीं है, क्योंकि इसमें एग्जैक्ट मार्क्स आप नहीं ला पाएंगे ज़्यादा, बट जो आपका सेकेंड पार्ट है सामान्य बुद्धि परीक्षण, इसमें रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन होंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस होंगे आप अभी जितने दिन बचे हैं यानी मैक्सिमम आपके 45 से 50 दिन जो बचे हैं, इन दिनों में भी आप चाहें तो तैयारी कर सकते हैं पूरी GS और मैथ जो जनरल, इसका जो जनरल रीजनिंग है और मैथ्स है, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं है, हाई स्कूल लेवल की, हाई स्कूल लेवल से बिलो ही है, उसको आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं और इसमें 50 में 50 सब फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सो मार्क्स क्योरिंग मार्क होगा आपका रीजनिंग और मैथ्स, बाकी हिंदी की तैयारी करेंगे और फिर सामान्य जानकारी की तैयारी करेंगे, ये टोटल होंगे 150 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन 2 नंबर का, नहीं टोटल 300 नंबर का होगा। समय अधिक बात करें 2 घंटे का पेपर होगा, 2 घंटे में आपको 150 प्रश्न करने हैं, यानी 120 मिनट में 150 क्वेश्चन, मीन्स इसका मतलब देखा जाए तो आपको जो है एक बेसिस है यहाँ पे कि इस बेसिस पे आपको क्या करना होगा, जो क्वेश्चंस हैं उसमें आपको लिमिट देनी होगी 45 सेकंड की, 45 से 50 सेकंड आपको एक क्वेश्चन पे स्पेंड करना है। सो ये रहा पूरा प्लानिंग इसका। इसके बाद से अगर बात करते हैं इसकी नेगेटिव मार्किंग की, तो नेगेटिव मार्किंग जी है, इसमें नेगेटिव मार्किंग है 1/1/2, यानी
1/2 मार्क्स इसमें, जैसे अभी तक इसमें ये था कि 50% 50% नहीं, 1/2 माइनस मार्किंग है। इट मीन्स इसका ये हुआ कि 2 नंबर का एक क्वेश्चन हो रहा है, तो आधा नंबर उसमें से कट जाएगा अगर आपने गलत क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है तो। सो दैट अगले वीडियो में हम आपको लेके आ रहे हैं इसके जो क्वेश्चन पेपर हैं पुराने वाले, पुराने क्वेश्चन पेपर जो भी पुराने क्वेश्चन आते रहे हैं उसको हम लेके आएंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं और कैसे हमें स्टडी करनी है। सो इसके लिए बने रहिए चैनल के साथ, और अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो सब्सक्राइब करें इस चैनल को और लाइक भी करें। सो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।